सबको मनचाहा मिल जाए तो ऊपर वाले का खजाना वक्त से पहले ही खाली हो जाए। फिर भी सब इसी प्रयास में रहते हैं कि हम जो चाहते हैं वो हमें मिल जाए। जो लोग मैनेजमेंट से जुड़े हैं, जो बिजनेस में हैं या जॉब कर रहे हैं, उनसे आप एक सवाल पूछिएगा कि आपको सबसे ज्यादा तनाव, स्ट्रेस, प्रेशर, टेंशन किस बात का है? तो जवाब मिलेगा टारगेट का, लक्ष्य का। और यह सही भी है। पौराणिक कथाओं में एक राक्षस को यह वरदान था कि उसकी रक्त की बूंदें यदि धरती पर गिरेंगी तो और बड़ी मात्रा में उसका रक्त बढ़ जाएगा। इसलिए देवी ने उसका संहार करते समय उस रक्त को धरती पर नहीं गिरने दिया और खुद पी गई। आजकल टारगेट इसी तरह है। सभी कहते हैं लक्ष्य पूरा करो तो अगली बार वो टारगेट मैनेजमेंट और बढ़ा देता है, उसमें और जुड़ जाता है और इसी चक्कर में लोग और प्रेशर में आ गए। उस तो लक्ष्य के चक्कर में ही दबाव में आ गए और इतने दबाव में आ गए कि डिप्रेशन में चले गए। और जो डिप्रेशन में नहीं गए उनको दूसरी बीमारियां लग गई। लेकिन यह तो तय है कि बढ़ोतरी कभी खत्म नहीं होती। तो जो किया जा सकता है वो तो किया जाए, और वो है अपनी सुरक्षा करिए। बढ़ते हुए लक्ष्य तक पहुंचना है लेकिन खुद का नुकसान ना हो, यह सावधानी आपको रखना पड़ेगी। और यह सावधानी आपकी दैनिक नियमित दिनचर्या में आएगी। वो दिनचर्या कैसी हो, क्या हो, उसका संबंध योग से होना चाहिए। मैं बीच बीच में आपसे कहता ही रहता हूं। तो अभी तो आप ये विचार करो कि लक्ष्य का दबाव तनाव में न बदल जाए, डिप्रेशन में न बदल जाए और उससे मुक्ति पाना हो तो हम तो आपको बताते ही रहते हैं योग का तरीका।